व्यूअर्स मूविंग ऑन टूवर्स पेज नंबर एटी सिक्स बी आर एस फ़िजियोलॉजी द टॉपिक इज़ कार्डिक साइकिल इन द प्रीवियस वीडियो आई टोल्ड यू अबाउट द जे वी पी एंड दार्ड साउंडस होप इट इज़ क्लियर टू यू नाउ इट विल हेल्पफुल फॉर यू टू अंडरस्टैंड द कार्डिक साइकिल इन दिस वीडियो सो आई एम नॉट टीचिंग द कार्डिक साइकिल फ्राम बी आर एस लाइन बाई लाइन बट आई हैव मेड माई नोट्स फ्राम द सेम पैटर्न ठीक है मैं आपको अपने नोट्स से पढ़ा रही हूँ जो बातें थी मैंने नोट्स में इस टेबुलर फॉर्म में अरेंज कर लिया है सो होप इट विल अंडर ईजी फॉर यू तो पहली चीज़ मैं आपको ये बता दूँ कि ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ वेल्फ प्रोड्यूसिंग हार्ट साउंड एंड वेन ऑल द वेल्व्स ऑफ द हार्ट आर क्लोज आइदर दे आर ए वी वेल्व और द सेमी लूनर वेल्व जब सारे वेल्व क्लोज होते हैं तो वॉलीम इन द वेंट्रिकल

Contraction period. So, atrial systole causing the contraction of atria, and due to this contraction of atria, the atrial pressure rises. Okay, so the beginning of atrial pro contraction produces P wave on ECG and A wave on venous pulse pressure curve, and there can be the formation of S4 sound. So, S4 sound can be produced if the heart is. हाइपर ट्रोफिक नॉर्मली वी हैव ओनली एस वन एंड एस टू साउंड एस थ्री एंड एस फोर कैन भी प्रेजेंट इन द डिजीज कंडीशन सो इन ओल्ड एज जब हाइपर ट्रोफी कॉमन हो जाती है हाइपर ट्रोफिक हार्ट डिजिजेज सो एस फोर कैन भी हार्ट ड्यूरिंग द एट्रियल सिस्टोल सो आफ्टर एट्रियल सिस्टोल द सेकेंड फेज इज आइसोमेट्रिक वॉलीम कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग द आइसोमेट्रिक वॉलीम कॉन्ट्रैक्शन आई टोल्ड यू के ऑल सो इन आइसोमेट्रिक आइसो वॉल्यूमेट्रिक वेंट्रिक्युलर कॉन्ट्रेक्शन आइसो वॉल्यूमेट्रिक मीन द क्लोजिंग ऑफ ऑल वेल्व द वॉल्यूम ऑफ द वेंट्रिकल इज कॉन्स्टेंट सो वेंट्रिक्युलर कॉन्ट्रेक्शन मीन दैट द प्रेशर इन द वेंट्रिकुलर वेंट्रिकल्स हैज़ बीन इंक्रीज सो अब वेंट्रिकल्स का प्रेशर इंक्रीज हो गया है वेल्व क्लोज हो गए हैं वेल्व क्लोज हो गए एस वन साउंड प्रोड्यूस होगा और पी वेव के बाद इसी जी पे क्या आता है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स पी वेव ने बताया एट्रियल सिस्टोल को क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स डिनोट करेगा वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रेक्शन को देन थर्ड फेज वी हैव रैपिड वेंट्रिकुलर इजेक्शन फेज सो ऑल द ब्लड हैज बीन कंप्ड इन टू वेंट्रिकल नाउ दिस ब्लड हैज टू पम्प्ड आउट फ्रॉम द वेंट्रिकल एंड द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रोक वॉल्यूम बता चुकी हूँ पहले स्ट्रोक वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ ब्लड दैट इज पम्प्ड बाय द वेंट्रिकल इन वन बीट ओके so in the rapid ventricular ejection there is a formation of stroke volume due to the contraction of ventricle. okay? when there is a contraction of this ventricle, you know, first qrs complex, it denotes the depolarization of ventricle, means contraction of ventricle. now there is a, uh, in the rapid ventricular ejection, we have onset of t wave. it is just beginning of t wave. एंड ऑल्सो इन दिस फेज प्रेशर हैज़ राइज इन सो फॉर्मेशन ऑफ सी वेव तो इस फेज में वेन देयर इज रेपिड वेंट्रिकुलर इजेक्शन तो हमारे पास वेंट्रिकल का प्रेशर भी बढ़ है और एयोटा का प्रेशर भी बर्ड है एयोटा का प्रेशर बढ़ टू सक द ब्लड फ्राम देंट्रिकल्स तो हमारे पास रैपिड वेंट्रिकुलर इजेक्शन फ़ेज में क्या होता है कि ब्लड इज़ रेपिडली एम्पटाइंग फ्राम वेंट्रिकल एंड इंटर इन टू द एओटा वेंट्रिकल्स का प्रेशर भी इंक्रीज हो जाता है एओटा का प्रेशर भी इंक्रीज हो जाता है और जो इसके नतीजे में ब्लड पम्प होता है टू द एओटा इज कॉल्ड स्ट्रोक वॉलीम ई सी जी पर अगर हम देखें तो ये फेस हमारे पास टी वेव से कॉरेस्पॉन्ड करता है और वीनस प्रेशर पल्स पर अगर हम देखें इसको तो सी वेव से करता है आई टोल्ड यू थ्री पॉजिटिव वेव जो होती हैं ए सी और वी तो ये हमारे पास सी वेव से कॉरेस्पॉन्ड करता है देन वी हैव स्लो वेंट्रिकुलर इजेक्शन स्लो वेंट्रिकुलर इजेक्शन मीन नाउ द रिमेनिंग ब्लड इन द वेंट्रिकल्स इज पूलिंग डाउन टू वर्ड्स एटा वेरी स्लोली ओके एंड दिस इज द देर इज ऑल्सो टी वेव ऑन द ई सी जी एंड वी वेव ऑन द वीनस पल्स प्रेशर कर्व एंड इन दिस फेस स्लो वेंट्रिकुलर इजेक्शन मीन स्पीड स्लो हो गई है स्पीड स्लो इसलिए हुई क्योंकि वेंट्रिकुलर और प्रेशर दोनों डिक्रीज हो गए देन वी हैव मूव टू द अच्छा अब पूरा का पूरा ब्लड इस पूरे चार फेसिस में जितना ब्लड एट्रिया में आया था वो सारा का सारा वेंट्रिकल से निकल के आपके एटा तक चला गया अब नेक्स्ट फेस्ट क्या होगा आइसो वॉल्यूमेट्रिक वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन इसमें क्या होगा अगेन खाली वेंट्रिकल हो गया सारे वेल्व वेंट्रिकल के क्लोज हो गए वेंट्रिकल रिलैक्स कंडीशन में आ गया रिलैक्स कंडीशन में आ गया मतलब जो पहला एक्शन पोटेंशियल मिला था वेंट्रिकल को उसने अपना काम कर लिया अब एक्शन पोटेंशियल ख़त्म हो गया एक्शन पोटेंशियल ख़त्म हो गया इट्स मीन रीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स कंप्लीटेड नाव कंप्लीशन ऑफ टी वेव और द एंड ऑफ टी वेव ऑन और सारे के सारे प्रेशर रेस्टिंग कंडीशन में डिक्रीज हो जाते हैं आइदर वो एट्रियल प्रेशर हो या वेंट्रिकल प्रेशर हो अगेन आइसो वॉल्यूमेट्रिक कंडीशन में सारे वेल्व क्लोज हो गए सेकेंड हार्ड साउंड प्रोड्यूस हुआ एस टू चलो सारा ब्लड निकल गया वेंट्रिकल्स भी रिलैक्स हो गए अब अगेन क्योंकि साइकिल को कंटिन्यू करना है अगेन रैपिड फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल होगी अगेन एट्रियल प्रेशर इंक्रीज हुआ एंड एट्रियल प्रेशर इज मोर देन वीनस प्रेशर सॉरी वेंट्रिकुलर प्रेशर सो ड्यू टू राइज इन द एट्रियल प्रेशर द

कोई भी मिस्टेक मैंने की है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में करेक्ट कर सकते हैं थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो और अच्छे कमेंट्स करने के लिए बहुत शुक्रिया और इसे उन तमाम लोगों के साथ आप शेयर करें जो आपके साथ पार्ट वन की तैयारी कर रहे हैं हो सकता है ये किसी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो क्योंकि जब हम मैं वीडियो बना रही होती हूँ तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं इधर उधर से सारी नॉलेज इकट्ठे करके एक वीडियो बनाऊँ तो जब ये आप तक तो पहुँचती है तो ये इतना बड़ा टॉपिक जिसे मुझे पढ़ने में एक घंटा भी लग जाता है आपको तक छः सात मिनट में पहुँच रहा है तो प्लीज़ आप इसको दूसरों के साथ शेयर करें किसी का कर टाइम बच जाएगा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो